क्या ताबड़तोड़ ओवरटेक है भाई, 130 फ्लैट। ये तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि आज ग्रीन और एक मिनट में सिग्नल। भाई तो गलती से चढ़ गए, तुसी ना दस देता फिर तो। अगर आपका योद्धा वाला ब्लॉग देख के अभी कल ही आया ये। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। वेज कटलेट देना। हाँ जी हाँ जी, सोल्टी बहुत ज्यादा। अच्छा लग, क्रॉस कर रहे हैं ब्यास रिवर, लेकिन आपको दिखा जी कि मैं जी सारे सत श्रीकाल नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी मैं हूँ पंजाब के अमृतसर में और आज बहुत बड़ा दिन है पंजाब के लिए और साथ में इंडिया के लिए, क्योंकि आज शुरू होने जा रही है अमृतसर से दिल्ली के बीच में चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका इनॉग्रल रन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आज 6 तारीख को फर्स्ट कमर्शियल रन है और आपका भाई आ चुका है भाई सुबह सुबह। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, 8:04 हो गए, 8:20 का डिपार्चर है। एक्चुअली क्या था, मैं सुबह सुबह दरबार साहब गया था दर्शन करने के लिए और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए वहाँ पर, मत्था टेका, लेकिन यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अंदर फटाफट और करते हैं जर्नी की शुरुआत। देख लो भाई, ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन, थोड़ा लेट हो गए हैं, चलते हैं फटाफट से। पाजी नाल ने ये हाल चाल है पाजी, ठीक ठाक हो पाजी? थोड़ा चैनल का की नेम है? पाजी जरूर चेक आउट करो। लेट होने ना यार, पहला तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 दसिया सीगा, हुन 4 लिखे हुए है। पंजाबी में बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई पंजाब में आए हैं, थोड़ा पंजाबी तो चलेगी ना, और ब्लॉग ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा पंजाबी में भी बोलेंगे, मजा आएगा आप सबको। तो आ चुके हैं भाई, शायद प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगा दिया है, 4 सुनने में आया था। और ये नहीं भाई पीछे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, आज भाई थोड़ा सा चल रहा है बोलते बोलते, बट कोई बात नहीं, भागते हैं। 8 कोचेस की वंदे भारत है, कोच है मेरा C3 और सीट नंबर आज भाई मिडिल मिल गया, बट कोई बात नहीं, एनीवे जो भी होगा अंदर चल के अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अपना कोच भाई C3 और अंदर भाई रेड कलर की सीट्स लग रही हैं। चलिए अंदर चलते हैं उस गेट से। ये रहा अपना कोच, 46 नंबर सीट, आज की अपनी सीट है, दिस वन इज मिडिल वन, 46। पहली बार अपनी लाइफ में इतनी ट्रेन्स कवर करी हैं, बट मिडिल सीट मिली है, बट ठीक है जो भी है विल मैनेज। 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है चेयर कार में, जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो आपको पता सारी वंदे भारत में ब्लू कलर की अपनी सीट देखी होंगी, बट ये रेड कलर में। तो लगेज अपन ने अंदर रख दिया और पहला रन है आज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों लग रहा है तुम? पंजाब की पहली वंदे भारत, आपने इनॉग्रेशन में ट्रैवलिंग करी थी, कैसा रहा था इनॉग्रेशन जर्नी? एक ही दिन में भाई बहुत सारी इनॉग्रेशन थी, तो मैं तो वहाँ था, मजा आया था ना। बाकी कोई बात नहीं, आज आपको पूरा वीडियो में सारी सर्विसेज दिखाएंगे, खाने पीने से लेकर टिल दिल्ली तक ही सफर करेंगे, 5.5 घंटे में दिल्ली। हाँ सबसे फास्ट है सब तक के लिए, अमृतसर के लिए पहले शताब्दी चलती थी सबसे फास्ट, अब आ चुकी है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस। और वीक में कितने दिन चलती है? 6 दिन चलती है ना, 6 दिन चलती है, बाकी अच्छा शुक्रवार को छोड़ के, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे जर्नी स्टार्ट होगी आपको दे दूंगा। कि हम फ्रंट में आ चुके हैं, लेकिन आज फॉग बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ स्टेशन ख़त्म होता है ना उसके बाद दिख नहीं रहा। आई एम नॉट श्योर भाई, लेट होगी या कैसे भी रहता है, पहला रन है, बट यार एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई मैं हूँ पंजाबी और पंजाब में वंदे भारत है, पहला रन ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी लोगों की आपकी डिमांड थी जब मैंने अयोध्या वाली करी थी, इवन कल वाली वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भाई पहला रन करो, आ गए भाई पहला रन करने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक्चुअली मैं रात में ही आया था, लगभग 11:30 के करीब शताब्दी से आया था दिल्ली से और वापस वंदे भारत से जा रहा हूँ, लेकिन देखो दर्शन हो गए थे, दर्शन हो गए अपने बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। लेकिन शताब्दी से अब देखते हैं, कंपेयर भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा कि इसका कंफर्ट वाइज कैसा रहता है शताब्दी से। देख लो भाई टाइम 8:20 हो चुके हैं और ये देखो लाइट ब्लिंक होने लग गई है, ऑटोमेटिक से होता। ओके भाई, बाय बाय। चलिए जी, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 8:20 का हम निकल चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन से। देख लो बाहर फॉग, देखो आप कितनी ज्यादा है, आई होप भाई लेट ना हो बस। अपनी सीट पे आ चुका हूँ और आज शायद थोड़ी थोड़ी पंजाबी मुँह से निकल जाए, तो वही कर लेना मैनेज, बाकी इजी है, इतना मुश्किल नहीं होगा। और आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखाता हूँ, वैसे ऑलरेडी बहुत बार आपको इंटीरियर दिखाया मैंने वंदे भारत का, तो देख लो ये रेड कलर की सीट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो एग्जीक्यूटिव में ना सेम ही कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने रखा हुआ है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से वो अपना रिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, दिस वन इज फुटरेस्ट और ये अपना मैगजीन होल्डर हो गया। अभी ट्रेन निकली है अमृतसर से और यहाँ पर सब उन लग गया है पानी, कैसे हो यार? ऑल गुड। चलो जी, ये आ गई एक पानी की बोतल और ये बढ़िया भाई 1 लीटर की दी है, शताब्दी में ना छोटी देते हैं 500 ml की। चलिए जी, ट्रेन निकल चुकी है, बात कर लेते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन नंबर 224/88 ये अमृतसर से चलती है सुबह 8:20 पे और आप पुरानी दिल्ली, ये ट्रेन पुरानी दिल्ली जाएगी, DLIG इसका स्टेशन कोड है, लगभग आप 1:50 पे पहुंच जाएंगे दिल्ली।
टोटल किलोमीटर कवर करती है लगभग 450 और टाइम लगता है 5.5 घंटे। अब अमृतसर से दिल्ली के लिए सबसे फास्टेस्ट ट्रेन आ चुकी है और रिटर्न में ट्रेन नंबर 22487 दोपहर में 3:15 पे चलती है और रात में 8:45 पे आप आ जाएंगे अमृतसर। वीक में सारे दिन चलती है फ्राइडे को छोड़कर। अभी करंट ऑपरेटिंग स्पीड देख लो 75 की नियर अबाउट है, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है बाहर। ठीक है लेट्स सी, देखते हैं भाई। फॉग के कारण तो आपको पता ही है थोड़ी सी ट्रेन डिले भी होती हैं। ये वाले गेट्स हैं ना ये ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वंदे भारत में आपको प्रेस करना पड़ता है। तो देख लो यहाँ पर मैं बाहर शूट कर रहा था और स्टार्ट में न्यूज़पेपर सबको सर्व होने लगे हैं। आपको पता है प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो ये सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। यही वंदे भारत उसी दिन ही लॉन्च हुई थी जब मैं गया था अयोध्या कवर करने के लिए इनॉग्रल जर्नी। उस दिन 8 टोटल ट्रेन का इनॉग्रल था, इसलिए मैं भाई आज फर्स्ट कमर्शियल रन में आया, वो भी अमृतसर से स्टार्ट हुआ है। मैं दिल्ली से भी कर सकता था बट मैंने सोचा यार अमृतसर आते हैं दिल्ली से तो वापस ही दिल्ली जा रहा मैं गुरुद्वारा जी गया था दर्शन करने के लिए और देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद लेकर जा रहा हूँ घर पे। राधा स्वामी सत्संग घर का ये देखो ये है रास्ता। ट्रेन पहुंच चुकी है इसके फर्स्ट हॉल्ट पे ब्यास में और यहाँ पर मैं बता दूँ लगभग 13 मिनट की डिले आए हैं और ज़्यादा डिले नहीं कह सकते इसे क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है बाहर। 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट रहने वाला और आपको पता है यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग घर है, काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। चलिए भाई अंदर चलते हैं, आपको पता है ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ऐसा ना मैं बाहर ही रह जाऊँ लगेज मेरा रह जाए अंदर। देख लो 9:12 हो चुके हैं, फाइनली जाकर डिपार्चर हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर गेट क्लोज हो गए थे पहले बट हाँ अब जाकर डिपार्चर हुआ है। क्रॉस कर रहे हैं ब्यास रिवर लेकिन आपको दिख तो रहा नहीं होगा भाई फॉग कितना ज़्यादा है बाहर। वाह यार अब जाके भाई स्पीड पकड़ी है फाइनली। अभी बैक टू बैक आपको थोड़ी सी क्रॉसिंग्स और ओवरटेक देखने को मिलेगा। आगे चल रही है हमारी अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक करेंगे बहुत जल्दी। भाई अभी कुछ ही देर में आने वाला जलंधर, टाइम 9:30 हो चुका है और सब हो रहा है अभी हमें ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में मैंने वेज ऑप्ट किया है, आपको पता ही मैं वेजिटेरियन हूँ बट देखते हैं क्या क्या मिल रहा है ब्रेकफास्ट में। ओके जी ये वेज है ना, नॉन वेज में क्या रहेगा? नॉन वेज में क्या कहते हैं ऑमलेट रहता है क्या? ऑमलेट रहेगा ठीक है जी। तो आपको पता है मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज लिया है, बाकी नॉन वेज में आपको ऑमलेट मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या क्या है और ये है आई गेस नॉट श्योर, इसको पहले ऐसे करते हैं अनबॉक्स कर लेते हैं फिर दिखाता हूँ क्या क्या मिला हमें। इसमें हमें मिला ये है वेज कटलेट, साथ ही साथ हमें मिला ये है छोले और कुलचे। आपको पता ही है जो अपनी कटरा और ये वंदे भारत है ना वाराणसी वाली उसमें भी कुलचे मिलते हैं ठीक है। स्पून यहीं पर होगा नीचे क्योंकि स्पेस इतना है नहीं, साथ में आपको ये एक वेट वाइप मिल जाएगा इसको रखते हैं साइड में। दिस वन इज चाय, उसकी माय फेवरेट चाय मसाला चाय तो इसको भी यहाँ पर रखते हैं। ये हो गया एक केक, साथ में केचप है, नीचे सैनिटाइज़र भी दिया गया है। जलंधर आने वाला तो फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं, शायद कंप्लीट तो ना कर पाऊँ बट पहले ट्राई करते हैं ये कटलेट कैसा है। रुको एक मिनट, पहले तो यार सब्जी ट्राई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका सब्जी का तो। और कुलचे देखते हैं, हाँ कुलचे बिल्कुल फ्रेश हैं, हालांकि कुलचे गर्म नहीं है ज़्यादा लेकिन सब्जी ठीक है गर्म। कटलेट देख लेते हैं और बढ़िया है ना, ब्राउन ब्रेड आपको नहीं मिलेगी जैसे ब्रेड मिलती थी ना कटलेट के साथ वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुलचे हैं कोई बात नहीं सब्जी के साथ। ये देखते हैं कटलेट, लेकिन नमक ज़्यादा है इसमें कटलेट में, नमक बहुत ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है बट हाँ ये गर्म है दोनों चीज़ें क्योंकि फर्स्ट डे है। आपको मैं बता दूँ आने वाले टाइम में देखो फर्स्ट डे होता है थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लगता है, टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम। कि चंगा जी इन्हें कंप्लीट कर दें फटाफट फिर तुम मिलते हैं जी जलंधर। पंजाबी कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगा अगर कोई स्टाफ से देख रहे तो, यहाँ पर ना अमृतसर के स्पेशल कुलचे भी मिलते हैं, अगर इसकी जगह वो रख दो तो भाई 4 चांद लग जाएगा, सच बता रहा हूँ भाई। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जलंधर सिटी को और यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस को। ये देखो ये सामने खड़ी अमरपाली एक्सप्रेस लिखा हुआ है अमृतसर कटिहार। जलंधर में 2 स्टेशन है, एक जलंधर सिटी और एक जलंधर कैंट। ये जलंधर सिटी को करती है स्किप और रुकती है जलंधर कैंट पे। अगर आपको जलंधर से दिल्ली जाना है तो आप जलंधर कैंट से ही बोर्ड करें इस ट्रेन को। जी आ चुका है अपना गर्मा गर्म पानी और ये है मसाला चाय, इसको मिक्स करते हैं फटाफट
और चाय का मजा लेते हैं, स्टेशन आने वाला है वहीं पे। ये देख लो अभी चाय पी रहा था मैं, और ये योगर्ट सब हुई है, और ये दिस इज माय फेवरेट। आपको पता है भारत भर अभी मैंने इतनी खाई है ना यार, ये मेरी योगर्ट, इसके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो ये तो अभी नहीं खाएंगे, रख लेते हैं इसको यहाँ पर, और चाय बना लिए, चाय पी लेते हैं पहले। चाय उसकी चाय का भाई जवाब ही नहीं कोई। आपको पता है ट्रेन में दूसरी चाय तो ऐसी ही होती है, लेकिन हाँ अगर आपको ये प्री मिक्स मिल जाए ना इंस्टेंट वाली, वो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। अंदर कैंट पहुंच चुकी है ट्रेन, और लगभग 24 मिनट डिले यहाँ पर आए हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है ना बार बार, देख लो काफ़ी लोग यहाँ पर बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन को। 24 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का ही हॉल्ट रहने वाला है। आपको पता है अंदर ही चल लेते हैं, लेकिन भाई इतनी ठंड में ऐसी गर्मा गर्म चाय मिल जाए और क्या चाहिए। लेकिन यार ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो मज़ा नहीं आया, लेकिन छोले का टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया था। कुलचे गर्म होते अच्छे थे और अच्छा लगता, और अमृतसरी वाले होते तो और मज़ेदार थे, लेकिन कटलेट भाई बहुत नमक था उसका, मतलब आम बंदा नहीं खा सकता। मैंने भी मतलब खाया जैसे जैसे करके। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानगी ज़रूर होगी, बट मेरी वेटिंग लिस्ट थी भाई लगभग 35 वेटिंग में मैंने बुकिंग किया था। पहले दिन ही पूरी ट्रेन पैक है, और मेरी रात में ही कंफर्म हुई थी सीट, तो भाई डिमांड आपको पता लग जाएगा पहले दिन जब गाड़ी पैक चले, और दिल्ली से भी आज पूरी पैक है। अगर आप पंजाब में आओगे ना भाई, स्टाफ इतना अच्छा है ना, सबकी हेल्प कर रहा है, और पहली बार देखा है मैंने, मतलब बहुत अच्छे से क्लीन है अभी तक तो। अभी स्टाफ जो है ना भाई, बिग शाउट आउट, बहुत अच्छे से क्लीन रख रहे हैं गाड़ी को। फगवाड़ा जंक्शन है वो खड़ी भाई पंजाब मेल गाड़ी, और काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। हावड़ा अमृतसर, इसको पंजाब मेल भी कह देते हैं, एक पंजाब मेल है फिरोजपुर से चलती है मुंबई के लिए, लेकिन ये रही हावड़ा अमृतसर। अगर आप फगवाड़ा से वीडियो देख रहे हो या आसपास से देख रहे हो, मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कब प्लान कर रहे हो इस ट्रेन में ट्रैवल करने का वो भी ज़रूर बताना। क्या तावड़ तोड़ भाई, स्किप हो रहा है प्लेटफॉर्म, स्किप फिल्लौर जंक्शन, वाओ ये हुई ना रफ्तार, फ्लैट 110। ट्रेन पहुंच चुकी है लुधियाना में, और यहां पर हम 20 मिनट डिले से पहुंचे हैं, और मैं बता दूं लुधियाना से अब 2 ट्रेन दिन में मिला करेगी। ग्रीन सिग्नल दिया हुआ भाई, पता नहीं क्या चक्कर है, लुधियाना से अब 2 ट्रेन जाया करेंगी दिन में, एक वैष्णो देवी वाली भाई सिग्नल भी हो गया है, और एक ये वाली, तो रिस्क नहीं लेना भाई। ये तो 1 मिनट भी नहीं रुकी यार, 20 मिनट की डिले सी थी ना इसलिए। ये तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि आज ग्रीन और 1 मिनट में सिग्नल दे दिया, क्योंकि तो पीछे भाई वैष्णो देवी वाली आ रही है, 10 मिनट का गैप रहेगा, अगर 10:18 पे ये आएगी, 10:28 पे वो आएगी दिल्ली जाने के लिए, वो नई दिल्ली जाएगी, ये पुरानी दिल्ली। लुधियाना में ही खड़े हैं, कुछ शायद पानी का इशू हो गया तो उसको सॉल्व करा इन्होंने। बाकी यहाँ पर भाई मिले हैं, भाई आपका नेम क्या है? क्या नाम है? अंशु यादव। अच्छा आपका चैनल है ना, चैनल का नेम बता दो। अच्छा यही नेम है, ये भी जर्नी कर रहे हैं तो कवर कर रहे थे, मैंने सोचा कि ना बातचीत करते हैं। कैसा लगा आपको पहले दिन, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं अपा अमृतसर पंजाब की, मजा आ गया ना? और क्या, पहली वंदे भारत है इस साइड की है ना, पंजाब की, अमृतसर की, पंजाब की पहली वंदे भारत है, तो इसलिए तो आया भाई। देख लो भाई गेट ऑटोमेटिक है, तो अंदर ही रहो लीजिए भाई, हो गया भाई गेट बंद। चलिए भाई फाइनली निकल चुके हैं लुधियाना से, और अब ये बताओ ब्रेकफास्ट कैसा लगा आपको? मैंने तो अपना फीडबैक दे दिया, आपका कैसा? ब्रेकफास्ट ठीक ठाक था, बस यार वो जो क्या नाम वेज कटलेट थे ना, हाँ जी हाँ जी, सोल्टी बहुत ज्यादा। अच्छा लगा ना आपको? बिना है ना, मैंने भी इनको बताया कि भाई कटलेट में नमक बहुत ज्यादा था, और इवन मैंने स्टाफ है ना, ये जो स्टाफ, इनको मैंने फीडबैक भी दिया है। एक्चुअली बात ऐसी थी, कहते हैं हमारा बेस किचन वहाँ का नहीं है, तो दून कैटरिंग से बनवाते हैं, तो पहला दिन है, तो मैं कहा फिर भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और इन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ चलो एग्री किया, वो बढ़िया है। बाकी ठीक है, लंच करके देखेंगे, साथ में रिव्यू करेंगे, देखेंगे लंच कैसा रहता है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, अम्बाला के आगे जाएगा, अम्बाला के बाद होगा, क्योंकि दिल्ली का टाइम 1:50 का है ना। लगाया ना मैंने ऑलरेडी, बहुत बार फीडबैक दिया है, इस वंदे भारत में भी ये इशू है, देखो चार्जिंग ऑन है यहाँ पर, एक मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। आपके साथ होता है सर? अभी अभी हुआ मेरे साथ, है ना, बिल्कुल। और बारी बार निकालो, फिर कभी कभी 5 मिनट बाद चल पड़ता है, ना? चल पड़ता है। ये मैंने ऑफिशियली में भी अभी बोला है, अभी यार इसको थोड़ा देखें, देखो ऑन है, मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा। इसका वेट था, वो घड़ी आ चुकी है, फ्लैट 130, लुधियाना से निकलती दिल्ली का सेक्शन है ना, 130 रहता है। अभी हम स्किप कर रहे हैं ढंडारी कलां, और मैं बता देता हूँ आपको कुछ ट्रेन यहाँ से भी जाती हैं। लुधियाना में ना एक्चुअली अभी स्टेशन का वर्क चल रहा है ना, तो शाम में शायद शान-ए-पंजाब और एक अमृतसर वाली, सहरसा वाली, गरीब रथ,
वो यहाँ रुकती है, लुधियाना स्टेशन पे नहीं रुकती। बाकी आप ट्रैक कर लें जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं लुधियाना से दिल्ली या इस रूट पे। अन्ना को फ्लैट 130 पे स्किप कर रहे हैं, वो भी प्लेटफॉर्म स्किप। क्या चाहिए और बताओ, ये देख लो फ्लैट 130 खन्ना नॉन स्टॉप रन है भाई अम्बाला तक, तो ऐसे स्किप ही मिलेंगे आपको। दादा भाई ये आगे दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली शान ए पंजाब एक्सप्रेस, काफी बढ़िया गाड़ी आ रही है अभी। आ गया जी, आ गया अम्बाला कैंट, पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट पे। और ताबड़तोड़ रन के बाद पहुंचे 10 मिनट की डिले के साथ, 20 से 22 मिनट का डिले चल रहा था, बस सिर्फ 10 मिनट का डिले रह चुका है। और यहाँ पर भाई खाना बोर्ड हो रहा है, ये देख लो ये आपका लंच है ना इस ट्रेन का, यहीं से बोर्ड होता है। जितनी भी ट्रेन है प्रीमियम ट्रेन उसका ऑलमोस्ट यहीं से बोर्ड होता है। और लंच अभी नहीं करेंगे, लंच बिल्कुल बंद नहीं है, ऑलरेडी पेट फुल हो रहा है जितना खाया था पहले। कुछ लोग तो भाई कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है ये कटरा वाली है, देखो ये आंटी भी है कह रहे कटरा वाली वंदे भारत है, बट नहीं, क्योंकि बिल्कुल बैक टू बैक है ना, पीछे चल रही है 10 मिनट के बाद आ जाएगी। अब यहाँ से नॉन स्टॉप रन रहने वाला है हमारा दिल्ली तक। तो यहाँ पर मैं अंदर जा रहा था और सिग्नल अभी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? आदित्य। कहाँ से है? पंजाब से। कैसे लगते हैं ब्लॉग? अच्छे लगते हैं। चलो यार थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। कौन सी क्लास में है? थर्ड में। क्या हुआ? आपका योद्धा वाला ब्लॉग देख के अभी कल ही आया है। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। पीछे आ रही है, वंदे भारत ही है, ये अमृतसर वाली वो कटरा वाली है, ये आपकी नई दिल्ली है ना? हाँ ये 2 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी, वो पीछे आ रही है इसके पीछे, ये पुरानी दिल्ली जाएगी। ये अभी आज पहला रन है इसका, पहली बार चली है। हाँ जी भाई, तो गलती से चढ़ गए, तुसी ना दस देना फिर तो अंदर आएंगे। जो अभी डिस्कस कर रहा था, दोनों ट्रेन बैक टू बैक है ना, काफी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी और सर ने हेल्प कर दी। आरपीएफ जो स्टाफ थे उन्होंने बोला भाई E2 में जाना है। एक्चुअली ये 8 कोचिस की वंदे भारत है, इसमें E1 एक ही कोच है, और जो कटरा वाली चली है वो 16 कोचिस की है, तो उससे थोड़ा सा पता लग गया सेफली वो भाई नीचे उतर गए। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई टाइमिंग का थोड़ा देख लेना। एक कुरुक्षेत्र जंक्शन को स्किप करते हुए नॉन स्टॉप, यही है भाई ये गाड़ी बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है, मेन लाइन पे निकाल लेते हैं इसको, काफी बढ़िया रफ्तार में। दर्पण भाई हाय हेलो, मिलते हैं वापस आएंगे कुरुक्षेत्र स्पेशली करनाल। मजा आ गया भाई, क्या तावड़ तोड़ ओवरटेक है भाई, 130 फ्लैट। टाइम हो गया 12:50 और यहाँ पर लंच सर्व होने लग गया, बट लंच अभी मैं थोड़ी देर बाद लूँगा। तो भाई तावड़ तोड़ आई गेस पानीपत आ चुका है। जी हाँ, पानीपत जंक्शन को फ्लैट 130 पे फिर से स्किप, मतलब करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ पर अपने तावड़ तोड़ एक्शन ही देखने को मिला। और अगर मैं फेयर की बात करूँ तो चेयर कार का आपको लगभग 1350 रुपये पड़ने वाला है, और एग्जीक्यूटिव में अगर आप ट्रैवल करेंगे एग्जीक्यूटिव में तो आपको लगभग 2400 रुपये के नियर अबाउट देना पड़ेगा, जिसके अंदर कैटरिंग सब कुछ इंक्लूड रहेगा, मतलब जो खाना पीना होता है ना ब्रेकफास्ट और लंच ये सब कुछ इंक्लूड रहने वाला है। बाकी जैसे लंच लेंगे अभी 15-20 मिनट बाद फिर आपको रिव्यू करके बता देंगे। यहाँ पर आ चुके हैं सर जी, सर जी आपका नाम बता दो। आशीष कुमार। आशीष सर है, पहले आप मिले वैसे ऑलरेडी, पहले कौन सी ट्रेन में मिले थे आप बता दो। बाकी सारा स्टाफ बहुत अच्छा है और ट्रस्ट में अगर आप ट्रैवल करें, और तावड़ तोड़ रहे यार, आधा घंटा डिले चल रही थी, बिफोर होगी 2 मिनट। ये क्या निकल रहा है, सोनीपत पानीपत सोनीपत करनाल ऐसे निकल रहा है। तो बाकी मैंने फीडबैक अपना भी दे दिया है, फर्स्ट डे है, थोड़ा उधर नीचे होता रहता है, बाकी यार सर्विसेज अभी तक तो टॉप नॉच चल रही है। थैंक यू सो मच भैया, ऐसी सर्विस रखना, ठीक है, मिलते रहेंगे। ठीक है सर। सो भी ट्रेन ना ऑलमोस्ट 5 मिनट बिफोर चल रही, 6 मिनट पहले, आधा घंटा डिले थी, तो नरेला आने वाला है, ऑलमोस्ट दिल्ली आए गए हम। और यहाँ पर मेरा लंच भी आ गया है, तो लंच में आपको दिखा देता हूँ कि क्या लंच में सर्व हो रहा है। तो लंच में हमें सर्व हुआ है, ये है राजमा भाई, शायद मैंने लगभग 250-250 ट्रेन में ट्रैवल किया है, कभी भी वंदे भारत में ये राजमा मुझे नहीं मिले, तो
राजमा सब हुए हैं और ये है पनीर, कढ़ाई पनीर की सब्जी है एंड दिस वन इज ड्राई वेज की सब्जी, साथ में राइस मिले हैं और ये है तीन चपाती, दो या तीन, साथ में ये है कर्ड, फ्लेवर्ड कर्ड। तो मैं लंच तो ज़्यादा नहीं करूँगा, टेस्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे है, ये ज़रूर खाऊँगा। बट सबसे पहले देखते हैं राजमा कैसे हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एंड सब्ज़ी देख लेते हैं थोड़ी सी, पनीर की ग्रेवी तो अच्छी है, पनीर मैं नहीं खाऊँगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। एंड राइस के साथ ये देख लेते हैं ड्राई वेज। ड्राई वेज अच्छी है। देखो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज तो खाता नहीं हूँ, बट उसमें नॉन वेज में शायद चिकन सब हुआ है, उसका टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकता। खाना तो ठीक लगा मुझे, ऐसा नहीं है, नो डाउट भाई, पहला रन है तो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो है मेरे हिसाब से। आपको कैसे लगा? ठीक ठाक लगा, बस करने की ठंडा सर्व हुआ, ठंडा है खाना, गर्म नहीं, गर्म नहीं सर्व, ठंडा सर्व, खाना गर्म होना चाहिए, रोटियाँ थी हल्की फुल्की गर्म बस, हल्की। हाँ, तगड़ा ओवरटेक मारा भाई दिल्ली से पहले ही, अभी गाड़ी कौन सी है तो समझ नहीं आ रहा। टाइम देख लो आप, 146 हो चुके हैं और ये दिल्ली रहा स्टेशन, हम यहाँ पर खड़े हैं, मतलब आउटर पे रोक दिया अभी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रन था यार, मज़ा आ गया। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर तेज स्टाफ भाग रहा है पूरी सफाई करने के लिए, ये होती है भाई इंडियन रेलवे की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत जैसे की प्रायोरिटी। जी गाइस, तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली के अंदर और ये है पुरानी दिल्ली स्टेशन बॉडीज DLI और बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी आई है। लगभग वैसे 2-3 मिनट बिफोर आउटर पे आ गई थी, लेकिन यहाँ आने में 2 मिनट लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं भाई। एनीवे जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, एक दो सजेशन मेरी तरफ से हैं। खाना भी तो ओवरऑल ठीक ही था, मैंने लंच ज़्यादा किया नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और इस ट्रेन का ना टाइमिंग थोड़ा सा ओड है, थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि वैष्णो देवी आपने देखा ना, काफ़ी लोग ट्रेन वो समझ के बोर्ड भी कर रहे थे। एंड सेकंड थिंग यार, शताब्दी के जैसे शताब्दी चलती है अमृतसर से लगभग 4:30-5 बजे, तो इसको 7 बजे करीब निकालना चाहिए अमृतसर से, लुधियाना 9 बजे आ जाए और दिल्ली टाइम से पहुंच जाए और टाइम से लोग अपना काम भी करें। अगर भाई कोई रेलवे ऑफिशियल से देख रहे हैं तो इसका टाइम थोड़ा चेंज हो जाए तो यार बढ़िया, क्योंकि 10 मिनट का सिर्फ गैप रहता है यार वैष्णो देवी और इसके बीच में, लुधियाना से बेसिकली, लुधियाना से लेकर दिल्ली का बिल्कुल रन रहता है। बाकी ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठंड बहुत है दिल्ली में। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अब थोड़ा 2-3 दिन रेस्ट रहेगा और ट्रेन जर्नी इसके अलावा भी ब्लॉग आएंगे, स्पेशल ब्लॉग की भी प्रिपेयर चल रहा है, जरूर से वो भी देखना, पसंद है तो लाइक करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।